ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। ऐसी देवभूमि जहां देवी देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को मन निशोक की पूर्ण कर्म भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं मंदिर में से प्रसिद्ध भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का है। गोलू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता कहा जाता है। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर है। उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं। इन्हीं में से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा में स्थित चितई गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगातार गूंजती घंटियों की आवाज से ही गोलू देवता को लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जय गोलू देवता है नमः। तो आज हम आए हैं गोलू देवता के मंदिर पे और गोलू देवता को कुमाऊँ के इष्ट देव के रूप में जाना जाता है, जिन्हें न्याय का देवता भी बोलते हैं। और यहाँ पर जितने भी आप सामने चारों मंदिर प्रांगण के चारों तरफ देख रहे होंगे, चारों तरफ की घंटियाँ लगी हुई है और सब जगह यहाँ पर अर्जियाँ लगाई हुई है। तो गोलू देवता सबकी अर्जियाँ जो है यहाँ पर सुनते हैं और जो न्याय करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग अर्जी लगाते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये देखिए मंदिर प्रांगण का को मैं दृश्य दे रहा हूँ, चारों तरफ घंटियाँ सुशोभित है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोक न्याय के लिए आते हैं। मंदिर की घंटियों को देखकर ही आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। मन्नत के लिए लिखना होता है आवेदन पत्र। मंदिर में लाखों अद्भुत घंटियों का संग्रह है। इन घंटियों को भक्त मनोकामना पूरी होने पर चढ़ाते हैं। चितई गोलू मंदिर में भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, लोग यहाँ पर स्टाम्प पेपर पर लिखकर भी अपने लिए न्याय मांगते हैं। चितई गोलू मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर है। यहाँ गोलू देवता का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर सफ़ेद घोड़े में सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथ में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु न्याय के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है जिनको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता के शरण में पहुँचते हैं और उसके बाद ही उसको न्याय मिल जाता है। गोलू देवता दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।